को स्वीकार करके इन्होंने बड़ी सहजता का परिचय दिया और हमारे बीच आज स्प्रिंग सिटी प्रेस क्लब सभागार में है। सबसे पहले मैं नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सरकार के तीन साल सफल तीन साल पूरे होने पर प्रदेश को जिस तरह से चहुंमुखी विकास और हर क्षेत्र में हर वर्ग को लाभ मिला योजनाओं का, उसी के साथ जो पत्रकारों की समस्याओं का भी ध्यान रखा, उसके लिए तहे दिल से मैं पिंक सिटी प्रेस क्लब परिवार, मेरी टीम और सभी पत्रकार साथियों की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लिए गौरव की बात है कि आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में बतौर आप 10 साल बाद सीएम साहब यहाँ आए हैं, तो हम और हमारी पूरी टीम खुश है। पत्रकारों की काफ़ी समस्याएं भी हैं जिनसे आप वाकिफ हैं, और काफ़ी समस्याएं आपने इतनी सहजता से सॉर्ट आउट की, इतनी सहजता से उनका निराकरण किया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार है। कोविड का बड़ा विकराल रूप जब सामने देखने को मिला पिछले 2 साल में, तो हमने सब आपसे जब आग्रह किया कि सबसे पहले हमने कहा कि सर वैक्सीनेशन की, तो आपने तत्काल आपने डायरेक्शन जारी किए और पत्रकारों और उनके बोले पत्रकारों को नहीं, आपने ये कहा कि नहीं आपके परिजनों को भी वैक्सीनेट होना चाहिए, तो आपने सहजता से डायरेक्शन दिए और हमारे इस प्रेस क्लब में 2700 पत्रकारों और परिजनों को वैक्सीनेशन लगा, आपका तहे दिल से साधुवाद। साथियों, आज सीएम साहब हमारे बीच में हैं। सीएम साहब ने जब वरिष्ठ पत्रकार पेंशन योजना पिछली सरकार में बंद हो गई थी,